गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवीएड ट्यूब क्लासेज में। मेरा नाम है राकेश और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर है 8, पेज नंबर है 106। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है और मैं आप लोगों को बता दूँ स्टूडेंट की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। जिन स्टूडेंट को प्ले लिस्ट देखना है वो कॉर्नर में दिए गए आइकन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म आप एन एपीआर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे थर्ड टर्म मीन्स A3 दिया गया है, 4 एंड नाइन्थ टर्म मीन्स A9 दिया गया है -8। और यहाँ पे ये पूछा गया कि कौन सा टर्म होगा वो 0 होगा, मतलब n की कौन सी वैल्यू पर an 0 होगा। ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर मान लीजिए कोई AP है उसका वैल्यू 0 है तो कौन से टर्म की वैल्यू 0 होगी, मतलब हमें यहाँ पर n की वैल्यू बताना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में विच टर्म पूछा जाए, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स पूछा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए, तो वहां पर हमें एन की वैल्यू बताना होता है। ठीक है, और तो ठीक है स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है थर्ड टर्म की वैल्यू 4, नाइन्थ टर्म की वैल्यू 8, एन की वैल्यू बताना है, ए एन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ना ही तो हमें फर्स्ट टर्म और ना ही हमें लास्ट टर्म दिया गया है, तो सबसे पहले एन को हम लेट कर लेते हैं। सो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी देन। सो अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म को हमने a मान रखा है, कॉमन डिफरेंस को d मान रखा है, तो जो हमारा a3 होगा वो कितना होगा, सो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो चूंकि हमें यहाँ पर a3 की वैल्यू 4 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये हो जाएगा 2d। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। यहाँ पर इसी प्रकार से सिमिलरली फॉर नाइन्थ टर्म स्टूडेंट, नाइन्थ टर्म में हमें दे रखा है, नाइन्थ टर्म हो जाएगा a9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a9 की वैल्यू हमें यहाँ पर -8 दिया गया है, तो हम यहाँ पर -8 पुट कर लेंगे, a की वैल्यू हमें नहीं दिया गया है और ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू डी। स्टूडेंट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है, तो यहाँ पर या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे या हम सब्ट्रैक्शन मेथड करेंगे। ठीक है, तो सबसे इजी हमें स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन मेथड लगता है, तो मैं सब्ट्रैक्शन मेथड से कर रहा हूँ। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, देन वी हैव, सो इक्वेशन 2 हमारे पास है -8 प्लस इज इक्वल टू प्लस 8d और इक्वेशन 2 हमारे पास है 4a प्लस 2d। तो यहां पर हो जाएगा 4a प्लस 2d। अब स्टूडेंट, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाला जो टर्म होता है इसका साइन चेंज कर देते हैं, 4 पे प्लस साइन है तो इसको माइनस कर देंगे, a पे प्लस साइन है इसको माइनस कर देंगे, इस पे भी प्लस साइन है इसको माइनस कर देंगे। अब हमें प्लस साइन से कोई मतलब नहीं है, हमने जो दोबारा साइन लगाया है माइनस माइनस माइनस, इससे मतलब है।
तो यहाँ पे माइनस फोर है, यहाँ पे माइनस फोर है, माइनस माइनस जुड़ेंगे माइनस साइन के साथ 12 हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, ये कट जाएगा क्योंकि a प्लस में है और a माइनस में है। यहां पर प्लस 8 है और माइनस 2d है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 8 में से 2 माइनस होगा 6 आएगा। साइन 8 वाला नंबर बड़ा है तो 8 वाला साइन लेंगे पॉजिटिव, सो हमारे पास माइनस 12 इज इक्वल टू 6d आया। अब अगर हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस d को इंटू में उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, सो 12 अपॉन 6 और 6 अंदर 6 6 2 12, आंसर जो हमारे पास आएगा d इज इक्वल टू वो आएगा माइनस 2। ठीक है, d की वैल्यू यहां से क्या आ गया माइनस 2। अब हम यहां से फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो ये d की वैल्यू उठा करके या तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट करेंगे। ठीक है, सो पुटिंग d इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है फोर इज इक्वल टू ए प्लस 2d, सो डी के प्लस पे माइनस 2 पुट करेंगे। स्टूडेंट जब भी माइनस 2 में वैल्यू पुट करते हैं या माइनस में वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हम ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जब हमने ब्रैकेट अप्लाई कर लिया तो हमारे पास आ गया 2 2 4, बट साइन जो होगा माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस, तो हमारा साइन कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। अब जब हम इस माइनस को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 4, ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा 4, और इस प्रकार से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, मतलब यहां पर हमें कॉमन डिफरेंस d पता हो गया जो कि माइनस 2 है, फर्स्ट टर्म a पता हो गया जो कि 8 है। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा टर्म 0 हो रहा है, तो स्टूडेंट तब तक के लिए आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट अब हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, सो फॉर नंबर ऑफ टर्म सो an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, जहां से हमें an की वैल्यू पता है 0, क्योंकि हमें 0 पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पर an की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमने 8 फाइंड किया हुआ है और n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा d, d की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करते हैं। ये 8 इधर पॉजिटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव 8 हो जाएगा। ठीक, और ये n माइनस 1 इंटू डी बचेगा माइनस 2, अब ये माइनस 2 इंटू में है, इधर आके जाके डिवीजन में हो जाएगा, सो माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 2 एन माइनस 1, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अंदर 2 2 4 जा 8, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा प्लस साइन 4 बाय 1 मींस 4। स्टूडेंट इस 1 को इधर जब हम भेजेंगे तो ये नेगेटिव साइन इधर आके पॉजिटिव साइन बनेगा, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा n इक्वल टू 5, यानी कि जो पांचवा टर्म होगा इस एपी का वो 0 होगा। सो फाइनली हम आंसर ऐड करेंगे, therefore fifth term of given AP will be zero, become zero, तो इस क्वेश्चन का ये स्टूडेंट आंसर हुआ। ठीक है, पांचवा टर्म हमारा इस क्वेश्चन का 0 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियोज को लेकर मिलते रहेंगे, हम मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, थैंक यू क्लास।